40 सालों से गया प्रसाद कोल ने वन भूमि में काबिज करके खेती कर रहा है, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन 2 सालों से वहाँ पे खेती नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वन विभाग ने उनके आने जाने खेत पे वहाँ पे चार फेंसिंग कर दिया है। ये दूसरी पीढ़ी की बात है, अभी तक हम खेती बाड़ी यहाँ कर रहे हैं और इसी से हमारा पालन पोषण, बाल बच्चों का, पूरे परिवार का चल रहा है। खेत से मतलब, और जो काबिज वाले हैं उनके मेड़ से किया है, तो पुराना मतलब ये जो रिकार्ड रहा ये फॉरेस्टे का रहा, तो अभी इसको छोड़ करके मेड़ से फेंसिंग लगा दिया जाली, तो वहाँ से आना जाना रास्ता बंद है। बस 2 साल से यही खेती बाड़ी नहीं कर पाए, तो बस मजदूरी करते रहे यहाँ वहाँ, मगर मजदूरी में गुजारा नहीं चल रहा। खेती बाड़ी करने वाले आदमी हम, पट्टा मिलेगा तो फिर अब कोशिश तो है कि शायद पट्टा भाई लगे हैं कि मिल जाए, वो फिर जगह जमीन वाली बात है, तो जमीन तो छोड़ेंगे नहीं। खेती बाड़ी अब कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण है इस जमीन से। उन लोगों ने कई बार आवेदन वगैरह तहसीली में दिए हैं, फिर भी उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 के अंतर्गत जो परिवार ने वन भूमि में 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जो काबिज है उनको अधिकार पत्र देने का संशोधन है, लेकिन यहाँ पर दरअसल उस कानून का, उस नियम का यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है। सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि जिला उमरिया के कलेक्टर साहब हैं कृष्ण गोपाल तिवारी जी, जिनका ऑफिस का नंबर है 76 53 22 26 00, इस नंबर पर उन पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं रामलाल बैगा, ग्राम तखतपुर, ब्लॉक करके लिए, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।